मैं हूँ शिल्पी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी छोले टिक्की चाट बनाना, जो बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। और छोले टिक्की चाट के तो नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम छोले टिक्की चाट एकदम यूपी के स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसे बनाना। आज हम ये चाट बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसे बनाना भी बहुत आसान होता है, और अगर आप एक साथ ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसमें इस प्लेट से 35 प्लेट चाट बनाकर रेडी किया है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। छोला टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 5 कटे हुए प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने हरी मिर्च। मैं यहाँ ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा हरी मिर्च लिया है। और यहाँ पे लिया है 2 टमाटर कटे हुए, कुछ लहसुन की कलियाँ। मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर, और यहाँ पर लिया है मैंने तेजपत्ता, दालचीनी और स्टार। बड़े चम्मच के बराबर मैंने लिया है जीरा। बड़े चम्मच लिया है ऑयल। 500 ग्राम मैंने मटर लिया है, और इसे रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था। मटर डूबे हुए होने चाहिए पानी में। तो सबसे पहले हम लेंगे कुकर और इसमें मटर डालेंगे उबालने के लिए। मटर को हमें 4 से 5 सीटी तक उबालना है। मटर डूब जाए इतना हमें पानी डालना है, और डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। तो 5 सीटी आने तक हम मटर को उबलने देंगे। ये छोले टिक्की चाट जल्दी बनाकर रेडी करना है। तो एक तरफ कुकर में मटर उबल रहा है, तब तक हम दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम तेजपत्ता, स्टार फ्रूट, दालचीनी। इसके बाद हम डालेंगे प्याज और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हम भुनेंगे। मीडियम आंच पर अच्छी तरह से हम प्याज को पकने देंगे। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। पर सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, तो इसे अभी हम अच्छी तरह लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसालों को प्याज में। और अभी इन मसालों में मैं ऐड करूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का, जिसको मैंने पेस्ट बनाकर रेडी किया था। तो अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी हम इसी मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस पेस्ट को अवॉइड करें। मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि ये तेल न छोड़ने लग जाए। तो अभी ये बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। इसकी फ्लेवर, इसका सुगंध बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और ये तेल छोड़ने लग गया है, तो इसमें ऐड करेंगे हम कटे हुए टमाटर। टमाटर हमें मसाला भुनने के बाद ही ऐड करना है। तो अभी हम टमाटर को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। तो टमाटर को मैंने मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अभी मसाला अच्छी तरह से पककर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ऐड करूंगी 1/2 गिलास के बराबर पानी, जिससे मसाले अच्छी तरह से पक जाए और जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और हम पानी डाल करके लिड लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जी की एक बढ़िया सी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। 5 सीटी लग जाने पर मैंने मटर को बाहर निकाल लिया है।
अच्छी तरह से उबल गए हैं। ये चेक करने के लिए आप मटर के दाने को हाथ से मसलकर देख सकते हैं। यहाँ पर जल्दी बनाकर रेडी करना है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो अभी कुकर अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के बराबर ऑयल और इसे भी अच्छी तरह हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम अपनी बनाई हुई ग्रेवी को डाल देंगे। यहाँ पर मैं जल्दी के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं जिसमें आपने ग्रेवी बनाया था। तो हम सारी ग्रेवी को कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी ग्रेवी को कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे उबले हुए मटर को कुकर में डाल दिया है। अब हम इसे ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चलाते हुए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने ग्रेवी ज्यादा रखने के लिए 2 गिलास पानी डाला है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप कम पानी का यूज करें। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसे पकने देंगे। इसे लाने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतनी ही है। आपको ग्रेवी कम या ज्यादा करना है तो कर सकते हैं। हम एक कटोरी लेंगे और सर्व करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम आलू की टिक्की। आलू की टिक्की डालने के बाद हम इसमें डालेंगे छोले। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। से तो इतनी ग्रेवी परफेक्ट है छोले के लिए, लेकिन आप इसको अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और चाट का जो मजा है वो तो चटनियों में है, तो हम चटनी सर्व करेंगे। अभी इस पर मैंने डाला लहसुन की चटनी। इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद मैंने डाला है चाट की दूसरी चटनी, इमली की चटनी। अभी हम डालेंगे हरी धनिया की चटनी। ये चाट की तीनों चटनियाँ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप इसके ऊपर छोटे छोटे कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। इस प्लेट से मैंने 35 प्लेट सर्व किया अपने एग्जीबिशन में। ये मैंने एग्जीबिशन के लिए बनाया था। तो आई होप कि आपको मेरी ये आज की छोले टिक्की चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।